पानी लाओ समूह बचाओ, पानी लाओ समूह बचाओ, पानी लाओ समूह बचाओ। बोलो बजरंग बली की जय। संघर्ष के 25 साल अब आपका आशीर्वाद श्रीमान डॉक्टर श्रवण जी बराला आपके द्वारा आपकी सेवा में जन सेवक बन के सेवा करना। बोलो भगत भगवान की। तुम क्षेत्र माई लहर आगी क्षेत्र माई लहरे डॉक्टर श्रवण बराला माले जनता भैगी मेरे। तुम क्षेत्र माई लहर आगी क्षेत्र माई लहरे डॉक्टर श्रवण बराला माले जनता भैगी मेरे। श्रवण बराला माले जनता वैगी मैं। 6 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। इनकी जयंती के दिन चौमू बस स्टैंड पर सवारे 10 बजे जन उनकार सभा पानी लिया बात आई आयोजन करेंगे। बीके माय में ज्यादा से ज्यादा सब आपका संपूर्ण परिवार के साथ रिश्तेदार के साथ कामदार के साथ मैं परिवार को डालू थे और 2-3 घंटा अपने पड़ोसी है बाकी दाल 3-1 घंटा कुर्सी पर बैठू और जो कार्यकर्ता पानी की व्यवस्था में लगाया जाए तो प्रॉपर पानी को ध्यान रखना। पानी की कोई प्यास में कोई बंद करना। अब यदि पानी की आप चर्चा करा कोई भी आपकी जन्म ले बड़ो छे तो क्यों क्यों पापू चाहो आप अपना एक जीवन में चोमू का 2 रूप देखिए। एक जिंदगी एक चोमू वो पूर्व विधानसभा क्षेत्र बीकानेर चूरू जैसलमेर बाड़मेर नागौर जा रहा था चोमू घुसता ये सब कड़े भी घूम रहा था चुम्बा था पार या लीर पे खेत ले ला था और आप कहता मासूम बढ़िया जगह कड़े और अब वे खेत सारा का सारा सूखा। 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। उसी दिन हमने चोमू में नदी से नदी जोड़ के पानी लाना और बांध का मीठा पानी लाने के लिए एक जनऊंकार सभा रखी गई है। सुबह 10 बजे बस स्टैंड चोमू में आयोजन रहेगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने के लिए सब माताएं बहने युवा मेरे छोटे बड़े भाइयों को प्रार्थना करने आया था। हमारे चोमू विधानसभा की बात आती सबसे पहले तस्वीर आती है पानी की समस्या। हमारे बहुत सारी कॉलोनियां अभी जो टांकड़ा की जिस कॉलोनी में हूं एक भी घर में अभी पानी का नल नहीं है और वो गरीब परिवार रहते हैं। कई बार तो पानी का टैंकर 10 बजे 12 बजे 11 बजे तक पहुंचता है तब तक माता बहने खाना भी नहीं बना पाती। सिंचाई का पानी दूर की बात पीने का पानी भी नीर पीने का पानी है वो हमारे यहाँ पत्थर का पानी है। उसकी TDS अभी राजस्थान पत्रिका ने खबर छापी थी 500 से लेके 3000 है वो कतई पीने योग्य नहीं है। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक पानी है और चोमू क्षेत्र का जो मूल रोजी रोटी का साधन है वो कृषि और पशुपालन है और व्यापारी भी उसी पे निर्भर करता है मजदूर भी उसी पे निर्भर करता है। जिस तरीके से चोमू में आज युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है हमारे यहाँ पत्थर का पानी पीने से लेकर स्वास्थ्य का एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़े सामने आ रही है। उन सबको देखते हुए
हमने लाखों की संख्या में नदी से नदी जोड़ने के लिए और बिसलपुरिया और किसी बांध का मीठा पानी पिए जल लाने के लिए सोमो में जन उपकार सभा का आयोजन रखा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा वासियों को पधारने की अपील की है। धन्यवाद।